नमस्कार, आप सभी का वीरे टीवी उत्तर प्रदेश में स्वागत है। और नाव में बीती 29 तारीख को सफीपुर कोतवाली के एक मोहल्ले में रहने वाली किन्नर मुस्कान की हत्या हो गई थी। हत्या के बाद किन्नर समाज में भारी आक्रोश था, लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। 2 अगस्त को कई जिलों से आए किन्नरों ने सफीपुर में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को 5 अगस्त तक आरोपियों को पकड़ने का अल्टीमेटम भी दिया था। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए किन्नर की हत्या में शामिल नामजद आरोपी सलोनी किन्नर को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है। SP उन्नाव दिनेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए बताया कि मुस्कान किन्नर अपने 3 चेलों के साथ रहती थी। तीनों ने मिलकर मुस्कान की हत्या कर फिर नकदी और जेवर लूट लिया और अपने में बांट लिया और अलग अलग जिलों में रहने चले गए। पुलिस ने नामजद आरोपी सलोनी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी दोनों भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उसके कब्जे से लूटे गए जेवर और 3 तमंचे जिससे उसकी हत्या हुई थी बरामद कर लिए गए हैं और DVR के साथ साथ जो पावर सप्लाई के लिए अडॉप्टर होता है उसे भी बरामद किया गया है। जो चेला गिरफ्तार किया गया है उसने बताया कि वे अपने गुरु की शानो शौकत और रहन सहन से काफ़ी प्रभावित था और एक बार उसने दूसरे चेले से उसके ATM से कुछ कैश भी निकाला था और तीसरे ने कुछ सोना भी चुराया था, लेकिन माफ़ी मांग लेने के बाद सब साथ में एक साथ रहने लगे। घटना की रात एक चेले ने तवंचे से वार कर दिया, DVR तवंचा ये सब सामान फेंक दिया गया और ज्वेलरी लेकर बरेली चले गए। ये बंटवारा किया गया और बंटवारा करके सब अलग अलग राज्यों में भाग गए। कितने लोग इसमें शामिल थे? थाना सफीपुर के मोहल्ले में एक किन्नर की 29/30 की रात में हत्या हो गई थी, जिसमें 3 चेले उसके नामजद थे। आज एक चेले की गिरफ्तारी की गई है और उसके कब्जे से लूटे गए जेवर और जिस तमंचे से उसकी हत्या की गई थी वो तमंचा और DTH का एडॉप्टर और जो DVR के साथ पावर बैंक पावर सप्लाई करता है वो एडॉप्टर और उसका बैग बरामद किया गया है। इसके जो इसका एक चेला भी गिरफ्तार किया गया, उसने बताया कि वो अपने गुरु की शानो शौकत और रहन सहन से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित था और एक बार उसके दूसरे चेले ने उसके ATM से पैसा भी निकाल लिया था और तीसरे ने भी जो है कुछ सोना चोरी किया हुआ था, लेकिन उन लोगों ने आपस में माफी मांग ली थी जिसके कारण उसने माफ कर दिया था और फिर तीनों साथ रहने लगे थे। घटना की रात में इसमें जो है इसके एक चेले ने जो है इसको तमंचा से मार दिया था और इन तीनों जहाँ से जो है मतलब कि सब DVR तमंचा और ये सब सामान उन्होंने फेंक दिया था और ज्वेलरी लेकर के लोग बरेली चले गए, वहाँ बंटवारा करके ये आपस में जो है अलग अलग जगह पे चले गए, जिसमें से एक की गिरफ्तारी की गई है। शेष 2 अभियुक्तों की तलाश जारी है। क्या अभी तक पूरा जो लूट कमाल का सारा बरामद कर लिया गया या 2 लोग जो फरार हैं उनके पास भी है? जो 2 लोग फरार हैं उनके पास भी लूट का माल है और DVR और मोबाइल फोन भी है जिसको बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। खुलासा करने वाली टीम को भी खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। उन्नाव से मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट।